नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइफ और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। बिहार में जातीय जनगणना पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। बताते चले आपको कि दो चरणों में जातीय जनगणना होना था, पहला चरण हो चुका है, दूसरा चरण 15 अप्रैल से ही इसकी शुरुआत थी, लेकिन अब हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस बेंच ने कहा है कि जो भी डाटा कलेक्ट किए गए हैं उसे नष्ट नहीं किया जाएगा। आगे और क्या कुछ कहते हुए नजर आए, सारी जानकारी देंगे आपको विस्तार से इस रिपोर्ट में। बिहार में हो रही जातीय जनगणना पर गुरुवार को पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। चीफ जस्टिस विनोद चंद्रन की बेंच ने आदेश दिया कि गणना तत्काल रोकी जाए। इससे पहले हाईकोर्ट में मामले को लेकर दो दिन सुनवाई हुई थी, इसके बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। हाईकोर्ट ने कहा कि अब तक जो डेटा कलेक्ट हुआ है उसे नष्ट नहीं किया जाएगा। मामले पर अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जाति आधारित गणना सर्वसम्मति से करवाई जा रही है, हम लोगों ने केंद्र से इसकी अनुमति ली है। हम पहले चाहते थे कि पूरे देश में जाति आधारित जनगणना हो, लेकिन जब केंद्र सरकार नहीं मानी तो हम लोगों ने जाति आधारित गणना आर्थिक सर्वे कराने का फैसला लिया। इसी के साथ बताते चले आपको कि जानकार बताते हैं कि सरकार एक वेलफेयर संस्था होती है। कैबिनेट से पूरी गणना पर 500 करोड़ खर्च करने की मुहर लगी है, लेकिन इसे कानूनी रूप नहीं दिया गया है। दरअसल 24 अप्रैल को यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को पटना हाईकोर्ट जाने को कहा था। इसके बाद 2 से 3 मई को हाईकोर्ट में इस मामले में सुनवाई हुई थी। इसी के साथ बताते चले आपको कि हाईकोर्ट के पहले दिन ही जातिगत गणना मामले में बीते सोमवार को पहली सुनवाई होनी थी, लेकिन सरकार की ओर से किए गए काउंटर एफिडेविट रिकॉर्ड में नहीं होने के कारण हाईकोर्ट ने सुनवाई को मंगलवार के लिए टाल दिया। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट अपराजिता सिंह और हाईकोर्ट के एडवोकेट दीनू कुमार को जातीय गणना को असंवैधानिक करार देने के लिए हाईकोर्ट में दलीलें पेश करनी थी। पटना हाईकोर्ट में मंगलवार को जातीय गणना को लेकर बहस हुई। एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता पीके शाही ने सरकार की ओर से अपना पक्ष रखा। कोर्ट ने एडवोकेट जनरल से पूछा कि जातीय आधारित गणना कराने का उद्देश्य क्या है, इसको लेकर क्या कोई कानून बनाया गया है। जवाब में पीके शाही ने कहा कि दोनों सदन में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर जातीय गणना कराने का निर्णय लिया गया था। कैबिनेट ने उसी के मद्देनजर गणना कराने पर अपनी मुहर लगाई। यह राज्य सरकार की नीतिगत फैसला है, इसके लिए बजट में प्रावधान भी किया गया है और आज इस पर सुनवाई होनी थी और तत्कालीन इस पर रोक लगा दी गई है। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर रोक लगा दी है पटना के हाईकोर्ट ने और साफ तौर पर कह दिया है कि जो भी डेटा अभी आया है उसको अभी नष्ट नहीं किया जाएगा, उसको रखा जाएगा और अगली सुनवाई जो है जातीय जनगणना को लेकर अब 3 जुलाई को होनी है। जातीय जनगणना से जुड़ी हुई ये तमाम खबरें थी जो आपके साथ हमने साझा किया। तो फिलहाल के इस खबर में बस इतना ही। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका समर्थन प्यार सिटी पोस्ट लाइव के लिए बहुत ही मायने रखता है। धन्यवाद।